आज के इस वीडियो का उद्देश्य है आपको सेप्सिस यानी कि सेप्टिसीमिया के प्रति अवेयर करना, जो कि एक बहुत ही सीवियर मेडिकल इमरजेंसी है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती है, यानी कि जिससे आपकी जान भी जा सकती है। और सरप्राइजिंगली ये मेडिकल कंडीशन एक छोटे सी चोट से, एक छोटे से घाव से भी शुरुआत हो सकती है। तो इसके बारे में जानना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसके बारे में अवेयर होना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम जानेंगे क्या है सेप्सिस, कैसे ये हो जाता है, क्या होते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स, ताकि आप इमीडिएट मेडिकल हेल्प ले सकें। तो इस वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए, ताकि आप सेप्सिस से होने वाली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बच सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह ससोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सेप्सिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जब हमारी बॉडी किसी इन्फेक्शन के प्रति कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो जाती है। इतनी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है कि बहुत ही स्ट्रांग इम्यून रिएक्शन शो करती है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के टिश्यूज़, हमारे ऑर्गन को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और अगर ये सेप्सिस की कंडीशन ज़्यादा देर तक रहे तो ये बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे टिश्यूज़ को हार्म करती है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट कर देती है। और सेप्सिस यानी कि ब्लड इन्फेक्शन के होने का कारण है कि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर हो रहा है, चाहे आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जैसे कि निमोनिया अगर आपको हो रहा हो, चाहे आपको यूटीआई हो रहा हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं, चाहे आपको किसी तरह का छोटा सा कट भी लगा हो और वहाँ से आपको इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया हो, चाहे आपको उसके कट में दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन उस कट से आपकी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई जा चुका है और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया है, भले आपको उसके बारे में पता ना हो, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में फैल रहा है और आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट आप पर काम नहीं कर रहा है, तो अगर इस तरह की कंडीशन आपके साथ है तो सेप्सिस की कंडीशन आपके साथ हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, जब इन्फेक्शन को प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो हमारी बॉडी एक एक्सट्रीम लेवल पर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम होता है वो इम्यून रिएक्शन कि वो हमारे टिश्यूज़, हमारे ऑर्गन को ही डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से आती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो अब आप थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठ जाइए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेप्सिस यानी कि ब्लड इन्फेक्शन के साइंस एंड सिम्टम्स, क्योंकि इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी तरह का नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो रहा है, या फिर इन्फेक्शन ना भी हो रहा हो, आपको छोटा मोटा कट भी लग रहा हो, और अगर आपको ये जो सिम्टम मैं अभी बताने वाला हूँ, अगर वो सिम्टम नज़र आते हैं तो आपको इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी। तो आप ये ध्यान से सुनिए जो साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार रहेगा, ये नॉर्मल बुखार से ज़्यादा रहेगा, हैवी फीवर रहेगा, आपको अंदर से बहुत ठंड महसूस होगी, ठंड लगेगी, आपको पसीने आएंगे उस ठंड के साथ, आपको तेज बुखार रहेगा, ठंड लगेगी और पसीने आएंगे, कोल्ड स्वेट्स हम इनको बोल सकते हैं, और इसी के साथ आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, आपकी जो नर्व्स हैं, आपका जो पल्स रेट है वो पल्स रेट धीमी पड़ने लगेगी, आपको शॉर्ट ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम होने लगेगी। शॉर्ट ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, छोटी छोटी सांस आप लेंगे और थोड़े आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, बहुत ज़्यादा पेन आपको इस दौरान देखने मिलता है। तो अगर आपको इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स कुछ एक्सट्रीम लेवल पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये साइंस एंड सिम्टम्स एक नॉर्मल बीमारी में भी दिखाई देते हैं, लेकिन सेप्सिस के दौरान ये साइंस एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, असहनीय जिसे हम बोल सकते हैं, तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ एक इमरजेंसी मेडिकल हेल्प ज़रूर लें, ताकि आप इस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से बच सकें। मेडिकल हेल्प के लिए आप नियर बाई हॉस्पिटल जा सकते हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट रहेगा आप हॉस्पिटल जाएँ, क्योंकि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि आपको ढंग से ट्रीटमेंट मिल सके, क्योंकि आप एक डॉक्टर के क्लिनिक पर जाएंगे, ज़रूरी नहीं है वहाँ पर सारी सुविधाएँ अवेलेबल हो, तो प्लीज़ एक हॉस्पिटल पर जाएँ, नियर बाई हॉस्पिटल, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द शुरू हो सके। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, ताकि वो जो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ही एक्टिवेट हो चुका है उसको थोड़ा सा दबा दिया जाए, ताकि वो एक नॉर्मल लेवल पर काम करे। और दूसरा, अगर आपको जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो आपको एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है, वायरल है तो कुछ अलग वायरल एंटीवायरल ड्रग्स आपको दिए जाते हैं, तो इस तरह का ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है, जिससे कि सेप्सिस का
जो ट्रीटमेंट है वो हो सकता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट आप घर पर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, घर पे इसका इलाज नहीं किया जा सकता। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी सेप्सिस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये सेप्सिस के बारे में अवेयरनेस फैला सके। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।